दिन की शुरुआत नहीं हुई, हमारी तो फेस्टिव की शुरुआत हो गई है पूजा से, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सेट का माहौल बहुत अच्छा हो गया, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल पॉजिटिव, शांत, हल्का, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है किसी सेट पे कि इतनी अच्छी रियल की पूजा हुई है, क्योंकि यूजुअली हम शोज़ में वैसे पूजा करते नहीं है क्योंकि टाइम तो होता नहीं है, पर यहाँ पे रियल वाली स्पेशली पूजा रखी गई थी जो बहुत ही अच्छी बात है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली यूजुअली सेट पे पूजाएँ होती है, बट एक्टर्स और यूनिट इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अपने किरदारों में अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पर हमारा थीम भी ऐसा है और हमारे जो पूरा यूनिट और हमारे प्रोड्यूसर स्पेशली, तो उनको हमें हर स्टेप पे हमको शामिल करते हैं, हर फेस्टिवल में, हर पूजाओं में, तो एक बहुत स्पेशल मोमेंट बन जाता है पूरे यूनिट के लिए। तो और आज शायद एक अच्छी तिथि भी है, लक्ष्मी पूजन ज़्यादा दूर नहीं है और शो भी ऐसा है लक्ष्मी से रिलेटेड। तो देखिए यूजुअली जब एक शो नया होता है, स्टार्ट होता है, तो कुछ हफ्ते कुछ महीने जाते हैं सेटल होने में, एक दूसरे से अडाप्ट होने में, एडजस्ट होने में। लेकिन ये जो शुभ लाभ है फ्रॉम डे वन, माय गॉड्स ग्रेस टचवुड, हम लोग इतने एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, इतने अटैच हो गए अपने कैरेक्टर से, एक दूसरे से, तो ये जो पॉजिटिविटी है इसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमने कुछ मांगा नहीं है, थैंक यू बोला है आज कि ये जो आपने संयोग से हमें एक साथ लाया है, इसे ऐसे ही बनाए रखें और सालों साल बनाए रखें। सच में हम दोनों ही ये मानते हैं कि अगर सेट का माहौल जितना अच्छा होगा और पॉजिटिव होगा और अपने क्वैक्टर्स के बीच में जितना प्यार और पॉजिटिविटी होगी ना, वो शो उतना ही अच्छा चलता है, उस पर अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो इस मामले में तो हम लोग बड़े ही यू नो उस क्या बोलते हैं उस दिशा में, सही दिशा में जा रहे हैं आई वुड से। मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी हो गई सब। ऑब्वियसली मैं अपनी इतनी ज़्यादा भक्ति दिखा रही हूँ, और ये तो रियल में भी होता है जब भगवान शायद खुद ना आ पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपके लिए माध्यम तो बना ही देते हैं। तो जब ये इतनी तकलीफ़ में है, एट द सेम टाइम भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ रही है, तो भगवान भी खुश होते हैं कि मतलब इतनी शिद्दत से कोई मेरी प्रार्थना कर रहा है, और मैं, मेरा भी यू नो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ। तो मैं जेन्युइनली कोई चमत्कार करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है, मतलब लक्ष्मी माँ का यही कहना है कि आप खुद में बहुत कैपेबल हो, तो मैं आपके लिए चमत्कार क्यों करूँ जब आप खुद कर सकते हो। तो मैं इनकी गाइडिंग लाइट बनकर आती हूँ इनकी लाइफ में ह्यूमन फॉर्म में, बट ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए मैं माँ देवी हूँ, तो मुझे वो गरिमा बना करके रखनी पड़ती है, इनके साथ मुझे ह्यूमन ही बिहेव करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम मैं ऑडियंस के लिए लक्ष्मी हूँ, तो मुझे वो भी मेनटेन करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और इनके जहाँ तक बात है इनके कैरेक्टर की या सीन्स की, ऑब्वियसली ये बहुत बेहतर बताएंगी आपको, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ा ही नेचुरल इनको भी रखा गया है, जो करके भी सीन्स जैसे हमारे आते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है करके इनके साथ, वो गिव एंड टेक भी हमारा आता है, थोड़ी नोकझोंक सी भी होती है लक्ष्मी माँ की मेरी, क्योंकि इनको नहीं पता है कि मैं लक्ष्मी हूँ, तो बहुत करके मज़ा आता है। बट एट द सेम टाइम सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही नेचुरल रखा गया शो में, तो ये मेडअप नहीं लगता कोई भी कैरेक्टर। देखिए अभी नवरात्रि होके गई और हमने नवरात्रि भी पूरी शिद्दत के साथ पूरे नौ देवियों की अच्छी से पूजा की, और शो का थीम ऐसा है, तो हम ऑब्वियसली दिवाली और लक्ष्मी पूजन जो होगा हमारा बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होगा, और उतना ही सिंसियरली होगा जितना हम रियल लाइफ में करेंगे, क्योंकि हमारे लिए शूटिंग नहीं है, काम हमारा भगवान है एक्चुअली। तो हाँ मैं वेट कर रही हूँ कि सेट पे लक्ष्मी पूजन कैसा होगा और कब होगा।